आप सभी को जय जोहार फ्रेंड्स। और अभी बज रहा है 3 और मैं जा रही हूँ खेत में। आपको दिखाऊँ कि हमारे खेत में क्या क्या हो रहा है और कैसे धान कटाई हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है जो रास्ते में पड़ता है। और ये हमारी राह लगी हुई है, ये देखिए। और फ्रेंड, मैंने अपना मुंह को कवर कर ली थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने बोला चलो मुंह को कवर कर लिया जाए। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सर पे बोझा को रख के लाते हैं घर। और ये देखिए, ये धान है और इसे हम अलग अलग करके बोझा बनाएंगे और फिर हम इसको सर पे रख के घर को लेके आते हैं फ्रेंड्स। और ये है हमारा खनियार, जो आप लोग मेरी पिछली ब्लॉग में देखे होंगे, जो हम लोग सफाई कर रहे थे सब लोग मिलके, ये वही खनियार है। ये देखिए, यहीं पे ला ला के इस धान के बोझा को हम रखते हैं। और ये हमारी राह लगी हुई है, ये देखिए। और सामने देखिए फ्रेंड्स, मेरे मामा जी का लड़का बोझा लेके आ रहा है, तो कह रहा था नहीं 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 मेरी वीडियो मत बनाना, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा बना ही ली हूँ। और फिर ये देखिए, ये खेत है और अब हम आ गए हैं खनियार में। तो ये देखिए खनियार का नज़ारा, ये पूरे धान के पूजा है फ्रेंड्स। और फिर मैं घर पहुंच गई और शाम हो चुकी थी। और ये देखिए मेरे मामा जी लोग का घर है और ये पीछे का बैकग्राउंड है। और ये देखिए, ये अंदर का नज़ारा है, ये बेडरूम है। और आज मैं बनाने वाली हूँ मटर आलू की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दी हूँ। जब टमाटर ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें आलू डालूँगी और फिर इसको थोड़ा हम पकाएंगे। और ये देखिए, ये हमारा किचन है। ये देखिए, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मसाला हमारा भून चुका है और हम इसमें डालेंगे आलू। और फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे क्योंकि जिससे हम इसे चावल में भी खा सकें। और ये देखिए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटर। और मटर डालने के बाद हम इसे 10 मिनट और पकने देंगे और हमारा सब्ज़ी तैयार है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये था आज का मेरा ब्लॉग। आप लोग बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी लोग को जय जोहार, बाय बाय।